राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम ने उज्जैन जिले के नागदा जंक्शन तहसील मुख्यालय और समीप के एक गांव में मंगलवार सुबह दबिश दी। बता दें, नागदा में दुर्गापुर इलाके में योगेश भाटी और रत्नाखेड़ी गांव से राजपाल सिंह नाम के युवकों को हिरासत में लिया गया है। दरअसल प्रसिद्ध पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाले लॉरेंस विश्नोई गैंग से योगेश भाटी लंबे समय से जुड़ा हुआ है। मूसेवाला की हत्या के बाद कुछ आरोपितों ने योगेश भाटी की मदद से नागदा में फरारी काटी थी। सूत्रों के अनुसार मई 2022 में पंजाब में खुफिया विभाग के दफ्तर पर हुए हमले के मामले में भी भाटी और राजपाल के तार जुड़े हैं, इसलिए दोनों को हिरासत में लिया गया है। जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम मंगलवार सुबह 5 बजे नागदा पहुंची, जहां टीम सबसे पहले बिरला ग्राम थाना क्षेत्र के दुर्गापुर पहुंची और ईडी कॉलोनी में योगेश भाटी के घर पर दबिश दी। बता दें, इसके बाद टीम रत्नाखेड़ी गांव गई, यहां राजपाल सिंह चंद्रावत को हिरासत में लिया गया। गौरतलब है कि योगेश भाटी और राजपाल एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद थे, तब से जेल में उनकी मुलाकात लॉरेंस विश्नोई गैंग से जुड़े लोगों से हुई। योगेश और राजपाल कुछ दिनों पहले ही जमानत पर बाहर आए हैं। यह भी बताया जा रहा है कि एनआईए मध्य प्रदेश में सिकलीकर गैंग पर भी कार्रवाई कर सकती है। मध्य प्रदेश में हो रही अवैध हथियारों की सप्लाई के नेक्सस को तोड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है।